वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गुरिंदर सिंह। खबरों की शुरुआत कर लेंगे हेडलाइनस के नाल। ऑस्ट्रेलिया के तेज़ तूफान का कहर, 1 लाख तो ज़्यादा घर की बिजली गुल, एक औरत की हुई मौत। संयुक्त राष्ट्र का दावा कि अफगानिस्तान के बच्चों के नाल किया जा रहा दुर्व्यवहार, बुनियादी सहूलत भी पहुँच तो बाहर। नरक तो भी पैड़े गाजा के बने हालात, मलबे हेठ दबे बच्चे और लाशा नाल ढकी जमीन। वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट के वलों बच्चों को धर्म और विरसे के नाल जोड़न के लिए वड्डा उपराला। तीजा धार्मिक प्रतियोगिता मुकाबला अमरीका दियां 6 स्टेटां दे विच चढ़दी कला दे नाल होया संपन्न। ते हुण खबरां विस्थार दे नाल। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड दे विच क्रिसमस की रात नूं राज दे दक्षण पूर्वी हिस्से दे विच तेज़ गरज दे नाल तूफान आउण कारण एक औरत की मौत हो गई अते 1,20,000 तों वध घरां दी बिजली गुल हो गई। गोल्ड कोस्ट, सीनिक रिम अते लोगान विखे तूफान कारण तकरीबन 1,27,000 घर बिजली तों बिना हन। अधिकारियों वल्लों बिजली बहाली दे लई कोशिशां कितियां जा रही ने। समाचार एजेंसी शिनहुआ ने दसिया है कि मंगलवार दोपहर नूं तूफान की चेतावनी जारी की गई सी, जिस दे विच ब्रिस्बेन के कुछ शहरां दे विच गड़ेमारी हुई, जबकि दक्षणी पूर्वी क्वींसलैंड दे विच मौसम खराब रहा। अफगानिस्तान दे विच बच्चियां अते हथियारबंद संघर्षां बारे संयुक्त राष्ट्र के सकत्तर जनरल के विशेष प्रतिनिधि ने एक नवीं रिपोर्ट जारी की। इस दे विच उन्हां कहा है कि देश दे विच बच्चे बेहद असुरक्षित ने। 22 दिसंबर 2023 नूं जारी की गई रिपोर्ट दे विच कहा गया है कि देश दे विच अफगानी बच्चियां दे लई बुनियादी सहूलतां भी उपलब्ध नहीं हैं। इस दा मुख कारण लंबे संघर्ष, उजाड़ा, अत गरीबी अते भोजन की असुरक्षा हैं। इस तों इलावा कुदरती आफतां, जिस दे विच रोजी रोटी के मौकियां की घाट अते जनतक सेवावां दे विच निवेश की कमी भी प्रमुख कारण हैं। There is a 10 million children, as de facto Minister of Education says. There is a 10 million children who goes to their schools. But 5 million, they don't go anywhere. And those are whom the visible children. And there is no schools. There is no place to go. As international organization, we aim 1 million, about 1 million, by a community-based education. This is in very poor communities. We gather children and teach them numerology and alphabet and so on. So that's the beginning. But with madrasa, their aim is to teach as much as possible children. And madrasa, I was talking today with regard of girls, because we keep here that more and more girls going to madrasas, but very difficult to verify. Yes, this is our job, to observe, to understand what's going on and so. But look, I don't know, I didn't hear well for Shahrazad where she's from. If she lives in Afghanistan, there's 40 million people, and should we politicize assistance and give them just if they would not obey Taliban? I mean, I think it is impossible. Today, half a population of Afghanistan is hungry. We don't have enough aid for the winterization. This is very problematic. And if we'll politicize this assistance, then what? All the children, they are malnourished. So many people jobless. Now influx of 500,000 from Pakistan. I don't see any such a politicization of AIDS. It is absolutely not right position.
इजराइल ते हमास दे विचाले पिछले 2.5 महीनों तो चल रहे हिंसक संघर्ष दे विच 20,000 तो वध लोग मारे जा चुके ने। इस दौरान इजराइली फौज वलों एक वीडियो जारी किया गया है। यह दावा किया गया है कि गाजा पट्टी उत्ते बनी हमास की सुरंग तो 5 लाशां बरामद कीतियां गईयां ने। रिपोर्ट के अनुसार IDF ने एक बयान दे विच कहा है कि हमास के खिलाफ खुफिया कार्रवाई दौरान IDF के जवानों ने 5 कैदियों दी लाशां बरामद कीतियां ने। फौज का दावा है कि इन लोगों 7 अक्तूबर को हुए अतवादी हमले दौरान कैद किया गया सी। इजरायली फौज ने गाजा शहर के विच हमास सुरंग नैटवर्क को दर्शाता एक वीडियो भी जारी किया। IDF ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X उत्ते पोस्ट करके पूरे मामले की जानकारी दी है। इजराइल हमास जंग का अज 81वां दिन है। इजरायली हमलों के हुण तक करीब 20,000 फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है। एक पास दुनिया के कई देश इजराइल उत्ते जंगबंदी लई दबाव बना रहे हैं, पर इजराइल गाजा उत्ते हर रोज़ अपने हमले तेज़ कर रहा है। हाल ही के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक मता पास करके गाजा के स्थाई जंगबंदी लई वधेरे सहायता और तुरंत कदम चुकन की मांग की है। इसी तरह अगले दिन तो इजराइल ने गाजा उत्ते अपना हुण तक का सब तो खतरनाक हमला करना भी शुरू कर दिता है। इन्हें दिनी इजराइल दक्षणी गाजा उत्ते बंब गोले और मिजाइलों की बारिश कर रहा है। गाजा के सेहत अधिकारियों ने दसिया है कि ऐतवार देर रात इजराइली हवाई हमले में 100 तो वध लोग मारे गए। इन्हां विच दीर अल बलाह नेड़े मागजी शरणार्थी कैंप के रिहायशी ब्लाक उत्ते भी होए हमले के 70 तो वध लोग मारे गए हैं। फलस्तीनी रेड क्रिसेंट ने दीर अल बलाह के अल अक्सा शहीद हस्पताल का एक वीडियो प्रकाशित किया है, जिस दे विच मिट्टी विच ढकियां अते खून दे विच भिज्जियां बच्चियां दीआं लाशां विखाई दे रहीआं ने। दर्जना लाशां भी चिट्टे थैलियां विच पैक होईआं नज़र आ रहीआं ने। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा पट्टी विच हमास वल्लों कैदी बनाए गए नागरिकों को वापस लिया हर संभव कोशिश की जा रही है। PM बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि साड़ी कार्रवाई इजराइल की जित तक जारी रहेगी। उसने कैदियों के परिवारों की भी तारीफ की। नेतन्याहू ने कहा है कि उसने कैदियों की तरफों दखल देने दे लिए चीन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नाल संपर्क किया। तुहानू दस दिए कि इस तो पहला दिन के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध खेत्र का दौरा किया। उन्होंने कहा कि गाजा के हमास खिलाफ़ जंग अजे खत्म नहीं हुई है। इस दौरान विश्व सेहत संगठन ने गाजा में शरणार्थी कैंप उत्ते हुए हमले की निंदा की। विश्व सेहत संगठन के स्टाफ ने सोमवार को गाजा के एक हस्पताल का दौरा किया। उन्होंने हमले में जख्मी हुए लोगों का हाल चाल पूछा। संयुक्त राष्ट्र की सेहत एजेंसी के मुखी टेड्रोस अडानोम ने कहा है कि WHO की टीम ने पीड़ितों की स्थिति बारे पूछगिछ की। इस दौरान उन्होंने अपना दुख भी साझा किया। उन्होंने कहा कि शरणार्थी कैंप उत्ते हुए हमले में एक बच्चे ने अपना पूरा परिवार गुआ दिता सी। हस्पताल की एक नर्स का परिवार भी हमले में खत्म होया। चंगे भविख की खातिर पंजाबी नौजवान विदेशों का रुख कर रहे हैं, पर उत्थे किसी अणहोनी घटना कारण उन्होंने मौत अपनी आगोश में लैके पिछे बुढ़े माँ बाप का लक ही तोड़ देती है। अजिही एक मंदभागी खबर सामने आई है। बटाला के पिंड तलवंडी भरथ तो जिथों का रहन वाला 35 साल नौजवान तलविंदर सिंह, जो कि 2009 इंग्लैंड गया सी, उत्थे उसकी हार्ट अटैक नाल मौत हो गई है। तलविंदर सिंह 14 साल हो गए ने इंग्लैंड गया नू, तद तो एक बार भी वह पिंड नहीं सी मुड़िया। उसके पिता बिजली विभाग के नौकरी करते सन। उन्होंने सारी जमा पूंजी खर्च कर दी बेटी नू विदेश भेजण दे लई। 16 लाख ला के पुत्र नू विदेश भेजिया सी तां जो घर के हालात सुधर सकन, पर 14 साल बाद आप तां नहीं आ सकिया, पर उसकी मौत का सुनेहा जरूर आ गया। हुण रोंदे कुरलाउंदे परिवार की गुहार है कि उन्हां दे पुत्र की मृतक दे भारत लियांदी जावे तां कि उसका चेहरा आखिरी बार वेख सकण अते उसका अंतिम संस्कार अपने रीति रिवाजां दे नाल कर सकण। ਨੌ ਦੇ ਖੀਰ 14 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਔਖੇ ਪਾਲ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਬਾਹਰ, ਵੀ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਮਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲੂਗਾ। ਪਰ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਉੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੇਤੀ। ਆਖਣਾ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾਂ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾਂ,
आंदा ही हुण मैं आ जाना वा मम्मी, एक महीना ही आ सिर्फ नवे साल च मैं आ जाना वा, मैं आण के ना कुछ करूँगा, मैं ना वेख्या घर ना मैं वेख्या बहर भी, मैं अपना घर बना ला, मैं ना बनाया घर भी, मेरे पुत की कमाई है, चल उधर ही दया पूरी करन कर ला, तो मम्मी मैं कमा के पैसे मैं घर बना लूँगा, मैनू नहीं पता मेरे पुत ने की बनना की चंगा भला, ना कोई दुख ना कोई तकलीफ, मेरे पुत नू कोई नहीं, मेरे पुत नू यकदम ही गल्लां करदा करदा ही 9 बजे मैनू फोन आउंदा वा, 12 बजे सस नू आउण डिया वा, मैनू नहीं पता मेरे पुत ने की वापरिया की, मेरी सरकार गई इहो पीला, मैं ते घर धोता ही पुत बदले भी चल कोई नहीं मेरे पुत पक्का होगा, आपे अपने घर की जिंदगी सवार लूगा, पोरिया पोरिया करके मैं पैसे जोड़ जोड़ के अपने पुत नू बाहर कर लिया, मैं पोरिया पोरिया करके कलिया, मैनू नहीं पता पर मां नू गाड़ी लंबा आप बाद च तुरदा करा, मेरी सरकार नू इहो पीला भी मेरा पुत नू इक वार लैंदा जावे, ना वेख्या घर ना वेख्या मैं बाहर, मैं कमाई दे करके ना ना मेरा कोई प्याली ना मेरा कोई बन्ना। साडा बेटा तलविंदर सिंह 2009 नू इंग्लैंड गया सी, इंग्लैंड गया सी पर उत्थे इन्ने हालात नहीं सुधार सकिया, पूंजी पूंजी इकट्ठी करके मैं बिजली बोर्ड दे विच लाइनमैन दे अहुदे ते नौकरी कीती, पैसा पैसा इकट्ठा करके जीपी फंड भी सारा कढ़ा के ला के मैं 16 लाख ते उहनूं मैं इंग्लैंड भेजा अपने घर दे हालात सुधारन वास्ते, 14 साल पिछों भी वह मैं मूँह नहीं वेख सकिया, 23 तरीक नूं मैनूं खबर आई आ मनेरे 2 बजे कि उसनूं हार्ट अटैक नाल मौत हो गई, फिर घर दे जीआं नूं मठालिया ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਡਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਜਹਾਜ਼ 276 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 276 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੜਕੇ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਅਰਬੱਸ A340 ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਮੁੰਬਈ ਉਤਰੀ। ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 2:30 ਵਜੇ ਉਡਾਣ ਭਰੀ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਸਮੇਂ 276 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਸਮੇਤ 25 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਵੈਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 303 ਭਾਰਤੀ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਨਾਬਾਲਗ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 303 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਨਿਕਾਰਗੁਆ ਜਾ ਰਹੀ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵੈਟਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਯਾਤਰੀ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਾਮਿਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਾਣ ਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਾਲਾਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੱਕਾ ਚੌਂਧ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਸਾਨੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਉਮਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਅਤੇ ਸਪੀਚ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਤਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਵਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਪਰ ਪਨ ਮਥੁਰਾ ਕੁਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪੈ ਤਖ ਹਰ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦੰਦ ਸਿਤਾਜ ਪੰਚਮ ਗੇ ਦੇਵ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਸਹਿਜਤਾ ਵਿਤਾਰਾ ਹੈ।
बाणी दे बोहित शांति दे पुंज निर्मल निर्वैर श्री गुरु अर्जन देव जी ने अप्रैल 1563 ईस्वी नूं चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी दे ग्रह माता भानी दी ते कुखों श्री गोंदवाल लिखे प्रकाश धारिया। गुरु अर्जन सृजनहारा अपने भरावां पृथ्वी चंद बाबा महादेव तो सब तो छोटे श्री गुरु अर्जन देव जी सुभाव विच शांत दयालु अते समदर्शी बेथी दे मालक सन। गुरु साहिब जी ने गुरसिखी माहौल विच गुरबाणी दे बख्शिश नाल अपने नाना तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी पासों तोहे सा बाणी का बोहेथा दी असीस प्राप्त कीती। गुरु साहिब ने बचपन विच ही वख वख भाषावां हासिल करदियां राग विद्या दे नाल नाल अध्यात्म दा ज्ञान भी प्राप्त किया। इस तरह श्री गुरु अर्जन देव जी ने अपने बचपन दे पहले 11 साल अपने नानके श्री गुरु अर्जन देव श्री गुरु अमरदास जी दे रहनमई हेठ बिताए। जदों साहिब श्री गुरु रामदास जी ने चक रामदास जी की पावन नगरी साए तां श्री अमृतसर सरोवर की खुदाई नूं संपूर्ण श्री गुरु अर्जन देव जी ने करवाया। अपने गुरु पिता श्री गुरु रामदास जी का हर हुक्म मंदिया गुरु अर्जन देव जी गुरियाई की परख विच पूरे उतरे तां गुरियाई की बख्शिश प्राप्त की। श्री हरिमंदर साहिब की नींह साईं मियां मीर पासरे रखवाए अते श्री आदि ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया। पंचम गुरदेव ने पहले 5 गुरु साहिबान 15 भगत 11 पाठ अते 4 गुरसिखां जी की बाणी एकत्र की ते फिर 30 रागां विच बाणी दर्ज की। गुरु साहिब ने समुची बाणी नूं छंद सलोक सवैये अष्टपदियां अते 52 सिरलेखां राहीं एकत्र कीता। 1604 ईस्वी नूं श्री आदि ग्रंथ साहिब जी दा विकास श्री हरिमंदर साहिब विखे कीता जिस दी सेवा बाबा बुड्ढा जी ने सौंपी। श्री गुरु अर्जन देव जी दे महान कार्ज समुची मानवता लई प्रेरणादायक हन। 1606 ईस्वी नूं श्री गुरु अर्जन देव जी ने बादशाह जहांगीर सियासत कानून हेठ तती तवी ते बिठा शहीद कर दिता। जद डुलदा खून शहीदां दा तकदीर बदलदी कौमां दी रमिया नाल खोपड़ लैंदे जा तस्वीर बदलदी कौमां दी तस्वीर बदलदी कौमां दी। आओ श्री गुरु अर्जन देव जी दे शहादत तों प्रेरणा लै के गुरबाणी अते सचार नितारण करिए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी आप जी सरवण कर रहे हो स्पीचा बच्चों तो जिमें कि आप जी ने बार बार दसया जा रहा है कि ये तीसरा धार्मिक प्रतियोगिता जोड़े कॉम्पीटिशन मुकाबले बच्चों के हर साल करवाए जाते हैं साहबजाद के शहीदी दिहाड़िया समर्पित। सो सतगुरां ने साडे मनुखियां ते मनुखां दे उत्ते जो परपकार किए हुए आ कुल लकाई ते सरबंसदानी कलगीधर पातशाह जी नूं कह के भी संबोधन होया जांदा आ। सो ये डेडीकेट साहबजादियां दे शहीदी दिहाड़िया नूं इह समागम हुंदे आ और आधारित जिहड़ा इतिहास आ जिवें पहलां दस्सिया गया सी कि स्टार्टिंग जदों कीती गई सी उदों 400 साल नवें पातशाह गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दा प्रकाश पुरब सी ते उस वेले आधारित जिहड़ा इतिहास नौवें पातशाह जी दा लिया गया। दूसरे जो लास्ट ईयर करवाए गए सन तो साहबजादियां दा इतिहास जिहड़ा आ कलगीधर पातशाह जी दा आनंदपुर साहब तो लेके शहादतां दा सारा ही। सो इस वारी जिवें डेडीकेट हर साल साहबजादियां नूं शहीदी दिहाड़िया नूं कीते जांदे हन समागम तो इतिहास पंजवें पातशाह जी का बच्चों ने आप जी ने सरवण करवाया। सो ये पनीरी ये उपराले सांभ करन दे जड़े आ पनीरी नूं सांभण दे जो कौम दे वैस्टर्न कंट्रियां दे विच वैस्टर्न कल्चर नूं बच्चे बड़ी जल्दी अडाप्ट कर लैंदे आ। सो इतिहास दे नाल गुरमत दे नाल अपने जड़ां दे नाल बच्चों नूं जोड़ी रखण वास्ते ये समागम आप समूह संगत दे सहयोग दे नाल सब तो मुढ़ला फर्ज परिवारां दा पेरेंट्स दा मापियां दा हुंदा आ बच्चों नूं सांभण दा। उस तो बाद जिहड़े अलग अलग जथेबंदियां गुरद्वारियां वल्लों उपराले हुंदे आ स्कूल सारे गुरद्वारियां दे विच चलदे आ सैचरडे संडे
और इदां दे कंपीटीशन भी हर जथेबंदी कोई ना कोई उपराला करती रहती है। सो फिलहाल दे लई वर्ल्ड न्यूज़ दे विच इन्ना ही, ते हुण मैनूं इजाजत दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।